8 लेसन 4 हिंदी सभ्यता और संस्कृति। जब से भारत स्वाधीन हुआ हमारे देश में दो प्रवृत्तियां बड़े जोर से बढ़ने लगी हैं। एक प्रवृत्ति तो है कल कारखानों के विकास की ओर, दूसरी वह जिससे प्रेरित होकर हम नृत्य संगीत नाटक और खेल कूद में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे हैं, और ये दोनों प्रवृत्तियां एक दूसरे से संबद्ध हैं। दिन भर डटकर काम करने वाला आदमी शाम को मनोरंजन खोजता है, दिन भर धूप में जलने वाला प्राणी शाम होते ही चांदनी में घूमना चाहता है, फूलों की गंध से भरा होना चाहता है अथवा नदी के किनारे बैठकर सब कुछ भूल जाना चाहता है। दिन भर का थका मुसाफिर शाम को जिस मनोरंजन की तलाश करता है उसका नाम पड़ गया है सांस्कृतिक कार्यक्रम। और बड़े शहरों में संस्कृति का सामान्य अर्थ नाच गाना और नाटक हो गया है। नाच गाना नाटक और खेलकूद संस्कृति के भीतर इन सबका स्थान है, किंतु संस्कृति केवल नाच गाना नाटक और खेलकूद तक ही सीमित नहीं है, यह इन सबसे आगे बहुत दूर तक जाती है। बहुत बार सभ्यता और संस्कृति लगभग एक सी दिखाई देती है, किंतु वह एक नहीं है। सभ्यता वह वस्तु है जो हमारे पास है, संस्कृति वह चीज़ है जो हम स्वयं हैं। कल कारखाने, मोटर, महल, शहर, सड़क और हवाई जहाज़ तथा भोजन और पोशाक ये संस्कृति नहीं सभ्यता के उपकरण हैं, किंतु भोजन करने और पोशाक पहनने में हम जिस रुचि का परिचय देते हैं वह हमारी संस्कृति है। इसी प्रकार कल कारखाने, मोटर और महल बनाने में हम जिस रुचि से काम कर लेते हैं उससे हमारी संस्कृति का परिचय मिलता है। प्रत्येक सुसभ्य व्यक्ति सुसंस्कृत नहीं होता है, क्योंकि संस्कृति का निवास मोटर, महल और पोशाक में नहीं मनुष्य के हृदय में होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छी पोशाक में होकर भी तबीयत से नंगे होते हैं, और तबीयत से नंगा होना संस्कृति के खिलाफ बात है। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके पास मोटर और महल तो क्या, अच्छी पोशाकों का भी अभाव है, किंतु उनमें दया, माया, शील, सौजन्य एवं परोपकार की भावना की कमी नहीं रही है। अतः ऐसे लोगों का नाम सुसंस्कृत व्यक्तियों की सबसे ऊपर वाली सूची में लिखे जाने चाहिए। सुना है दुनिया में आज भी ऐसे समृद्ध देश है जहां समाज में सम्मान पाने के लिए कवियों को भी मोटर और बैंक बैलेंस की आवश्यकता होती है। अवश्य ये वे देश है जहां सभ्यता संस्कृति के माथे पर चढ़ बैठी है, किंतु भारत की परंपरा ठीक इसके विपरीत रही है। भारत में राजाओं से बहुत अधिक आदर उन ऋषियों का होता था जिनके पास महल नहीं थे। ये ऋषि सभ्यता के कोलाहल से दूर वनों में रहते थे, वलकल पहनते थे, मिट्टी के बर्तनों में भोजन पकाकर केलों के पत्तों पर खाते थे, और अपने हाथ से मोटा काम करने में उन्हें शर्म नहीं आती थी। आज की परिभाषा के अनुसार इन ऋषियों को सभ्यता के दायरे में गिनना जरा कठिन काम होगा, किंतु संस्कृति तो इतने थे कि सारे इतिहास में उनका जोड़ नहीं मिलता। सभ्यता के पीछे शहरीपन का स्पर्श है, वह नगरों से निकलती हुई चीज मालूम होती है, किंतु संस्कृति ग्रामों के सहज जीवन की याद दिलाती है। सच पूछिए तो कल्चर का सही अनुवाद संस्कार नहीं कृषि होगा जो कर्मण अथवा खेत जोतने का पर्याय है। मनुष्य की आत्मा भी खेत के समान है, उसके भीतर हल की जितनी ही रेखाएं खींची जाती हैं वह उतना ही मुलायम और उर्वरक होता जाता है। सभ्यता बहुर्मुखी गुण है, वह शरीर को सजाती है। संस्कृति मनुष्य की आत्मा की चीज है, वह उसे भीतर से कोमल, दयालु और विनम्र बनाती है। एक तरह से देखिए तो संस्कृति प्रकृति से भिन्न गुण है। क्रोध करना प्रकृति है, किंतु क्रोध को रोक कर रखना संस्कृति है। काम का उल्लंघन आचार प्रकृति है, किंतु काम को बांधे घाट में बहाना संस्कृति है। प्रतिशोध की भावना प्रकृति है, किंतु जहर पचाकर
उसे अमृत बनाना संस्कृति का काम है। प्रकृति हिंसा है जिसकी लपेट में पड़ी हुई दुनिया बेचैन हो रही है। संस्कृति अहिंसा है जो इस जलते हुए संसार को अग्नि से बाहर लाना चाहता है। सभ्यता बहुत बहुत बढ़ी तो एटम बम लेकर खड़ी हो गई। संस्कृति मनुष्य का वह गुण है जिसके विकसित होने पर यह संहारक बम गुलाब का फूल बन जाएगा। जब तक विज्ञान नहीं आया था, सभ्यता और संस्कृति के बीच वह दूरी नहीं थी जो आज दिखाई देती है। सभ्यता शरीर का गुण है और विज्ञान की सारी सेवाएं शरीर के लिए है। अतः विज्ञान की शक्ति से सभ्यता का अति विकास हो गया, किंतु आत्मा विज्ञान के क्षेत्र से बाहर पड़ती है, इसलिए विज्ञान का कोई लाभ आत्मा के गुणों को प्राप्त न हो सका। परिणाम यह होता है कि विज्ञान अपनी शक्तियों से स्वयं भयभीत हो उठा है। आज परिस्थिति यह है कि एटम और हाइड्रोजन बमों के आविष्कार में जिन्होंने 16 सोत्साह भाग लिया था, स्वयं वे वैज्ञानिक ही दुनिया को आगाह कर रहे हैं कि अत्यंत घातक और उनकी जांच पड़ताल का लोभ हमें छोड़ देना चाहिए। किंतु आगाही की यह आवाज़ केवल उन्हें सुनाई पड़ती है जो छोटे और कमज़ोर हैं। जो बड़े देश हैं उनके कान बहरे हो गए हैं। वहाँ सभ्यता संस्कृति के छाती पर चढ़ बैठी है और शरीर ने आत्मा को कुचल कर पांवों के नीचे दबा रखा है। सभ्यता के इस अत्याचार से संस्कृति का त्राण कैसे किया जाए, यही वह विषय है जिसे लेकर आज का विश्व चिंतन अपना मस्तक धुन रहा है। किंतु यह त्राण तब तक नहीं मिलेगी जब तक मनुष्य प्राचीन विश्व के प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं लाता। ऐसा नहीं है कि मनुष्य का नवीन ज्ञान बिल्कुल ठीक है और उसका प्राचीन ज्ञान सबका सब गलत है। विज्ञान अधिक से अधिक पिछले 200 वर्षों से बढ़ा है, किंतु मनुष्य की सभ्यता कम से कम 6000 वर्ष प्राचीन है। और इन 6000 वर्षों में मनुष्य ने जो कुछ सोचा उसमें ऐसी बातें थी जो अपनी उपयोगिता के साथ समाप्त हो गई। बहुत सी ऐसी भी है जो मरना नहीं जानती और जिनका आज भी उपयोग है। विशेषतः भारत वर्ष की ओर संसार जिस आशा से देख रहा है उसका लक्ष्य नवीन नहीं बल्कि प्राचीन भारत वर्ष है। जैसे नवीन विश्व के नेता अमेरिका और रूस है, वैसे ही प्राचीन विश्व का नेता भारत वर्ष था। किंतु नवीनता के साथ लड़ाई में यह प्राचीन विश्व सर्वत्र पराजित हो गया। केवल भारत वर्ष में वह आज भी युद्ध कर रहा है। एक यह भी कारण है कि नवीन सभ्यता से पीड़ित विश्व भारत की ओर किसी रहस्यमयी आशा से देखने लगा है। किंतु भारत वर्ष किस प्रकार अपने को योग्य बना सकता है वह इस आशा को पूर्ण कर सके? क्या विज्ञान के त्याग के द्वारा? विज्ञान का त्याग असंभव है और वह हमारे आर्वाचीन का मतलब आधुनिक आर्वाचीन इतिहास की शिक्षा के भी विपरीत होगा। अभिनव भारत का जन्म 19वीं सदी के आरंभ में हुआ था और तब से देश में विचारों के जो भी नेता हुए उनके आपसी मतभेद चाहे जो भी रहे हों, किंतु इस बात में वे सब के सब एक थे कि भारत न तो अपने प्राचीन ज्ञान का त्याग कर सकता है न यूरोप के नवीन ज्ञान का। बच्चों, इसका मतलब है भारत अपने प्राचीन ज्ञान को काफ़ी तवज्जो देता है, साथ ही जो है नया विज्ञान है जिसको पश्चिमीकरण या यूरोप से रिलेटेड बोलते हैं, इसको भी पूरी तरह नकार नहीं सकता। भारत की राजनीतिक राष्ट्रीयता उसकी सांस्कृतिक राष्ट्रीयता की देन है। राजा राम मोहन, केशव चंद्र सेन, रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट, अरविंद और रविंद्र, ये हमारे आर्वाचीन आकाश के ज्वालमान ज्योतिपिंड हुए हैं और ये सब के सब किसी न किसी सीमा तक धार्मिक थे।
उनका ज्ञान पश्चिम से था, किंतु उनकी सारी प्रेरणाएं भारत के अतीत से आई थीं। मीन्स ये सभी नेता आधुनिकता को अपनाने के लिए तत्पर थे, बट अपनी प्राचीनता को लेकर, अपनी प्राचीनता को साथ में बनाए रखने के साथ साथ। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है कि भारत अहिंसा के द्वार स्वाधीन हुआ और अहिंसा से ही सामंतशाही एवं जमींदारी प्रथाओं का उन्मूलन करके वह समाजवाद की ओर बढ़ रहा है। जातियों की प्रगति के मार्ग बाहर से नहीं आते, वे उनके सुदूर और निकट के इतिहास से निकलते हैं। भारत की प्रगति के लिए भारत के इतिहास से जो मार्ग निकला है, वह धर्म और विज्ञान के समन्वय का मार्ग है, वह राजनीति और संस्कृति के मिलन का मार्ग है, वह प्राचीन और नवीन के आलिंगन का मार्ग है। ज्ञान के स्तर पर रामकृष्ण, विवेकानंद, अरविंद ने जो दर्शन तैयार किया, कर्म के स्तर पर उसका वही रूप हो सकता था जो उसे गांधी जी के हाथों प्राप्त हुआ है। गांधी जी विज्ञान के द्रोही थे, यह बात भी कही जाने के योग्य नहीं है। दुनिया में बहुत से राजनीतिज्ञ हुए हैं जो धर्म के परिधान में छिपकर चलते थे। गांधी जी शुद्ध धार्मिक पुरुष थे जिन्हें राजनीति के वेश में रहना पड़ा। वे देह के उत्सव में भूले हुए मनुष्य को आत्मा की याद दिलाने आए थे। विज्ञान के विरुद्ध उन्होंने जो कुछ भी कहा, उसका उद्देश्य मनुष्य को यह बताना था कि शरीर ही सब कुछ नहीं है, कुछ थोड़ी सेवा आत्मा की भी होनी चाहिए। सुख समृद्धि ही सब कुछ नहीं है, मनुष्य की असली शोभा उसकी विनयशीलता, अहिंसा और अस्तेय से है। गांधी जी भारत के धार्मिक इतिहास के प्रतीक थे और हमारे इतिहास ने अपने को जीवित और चैतन्य सिद्ध करने के लिए ही उन्हें उत्पन्न किया था। वे यदि नहीं आते तो भारत का इतिहास झूठा हो गया होता। हिंसा से पीड़ित विश्व में अहिंसा की ज्योति छिटकाकर वे हमारे इतिहास की आगामी सदियों के लिए जिला गए हैं। हर एक भारतवासी का धर्म है कि वह गांधी को समझे, क्योंकि गांधी भारतवर्ष की सबसे नवीन टीका है। गांधी वह विनयपूर्ण भाषा है जिसके द्वारा प्राचीन विश्व ने नवीन विश्व की शांति का मार्ग बताया है। सभ्यता अथवा बाहरी ठाट बाट की उपासना बहुत हो चुकी, अब जरा उन गुणों की भी पूजा करो जिन्हें संस्कृति कहते हैं। संस्कृति सुख नहीं सदाचार है, संस्कृति ताकत नहीं विनम्रता है, संस्कृति संयम नहीं त्याग है, संस्कृति विजय नहीं मैत्री है, और सबसे बढ़कर संस्कृति की चरम साधना अहिंसा से प्रकट होती है। और अहिंसा केवल अनाघात को नहीं कहते, सच्चा अहिंसक वह है जो विरोधी के मन को भी क्लेश नहीं देता, जो चिंतन के धरातल पर भी गुस्से में नहीं आता, जो सुसंस्कृत होगा वह दुराग्रह नहीं करेगा कि मैं जो कुछ कहता हूँ वह ठीक है और दूसरे लोग जो कुछ कहते हैं वह गलत है। संस्कृति अनेकांतवादीन होती है, वह अपना पक्ष भी समझती है और विरोधियों के मतों का भी आदर करती है। जो व्यक्ति सुसंस्कृति होता है वह अपने हृदय की आधी सहानुभूति अपने विरोधियों के लिए सुरक्षित रखता है। सहिष्णुता, सह अस्तित्व, संस्कृति और पंचशील, ये एक ही चीज के नाम हैं। लोग चाहते हैं कि दुनिया पर बमों से आग न बरसे, किंतु यह तो तभी संभव होगा जब लोग बहस के समय आँखों से आग बरसाना छोड़ दें। रामधारी सिंह दिनकर।